दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। वह लंबा और सुंदर था, जैसा वे लोग चाहते थे, एकदम वैसा। इज़राइल पर अपने शासन के पहले कुछ वर्षों में शाऊल एक अच्छा राजा था, परंतु बाद में वह एक दुष्ट व्यक्ति बन गया जिसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने एक अन्य व्यक्ति को चुना जो कि एक दिन उसके स्थान पर राजा बनेगा। परमेश्वर ने दाऊद नाम के एक जवान इजरायली पुरुष को चुनकर एक दिन शाऊल के स्थान पर राजा होने के लिए तैयार करना आरंभ किया। दाऊद बेतलहम नगर का एक चरवाहा था। कई समयों पर दाऊद ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला था, क्योंकि दाऊद द्वारा रखवाली करते समय उसके पिता की भेड़ों पर उन्होंने हमला किया था। दाऊद एक नम्र और धर्मी व्यक्ति था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी बातों को माना। जब दाऊद अभी जवान पुरुष ही था, उसने लंबे चौड़े गोलियत के विरुद्ध लड़ाई की। गोलियत एक बहुत अच्छा सैनिक था। वह बहुत मजबूत और लगभग 3 मीटर लंबा था, परंतु परमेश्वर ने गोलियत को मारने और इज़राइल को बचाने में दाऊद की सहायता की। इसके बाद दाऊद ने इज़राइल के शत्रुओं पर कई बार विजय प्राप्त की। दाऊद एक बड़ा सैनिक बन गया और उसने बहुत से युद्धों में इज़राइली सेना की अगुवाई की। लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। लोगों ने दाऊद से इतना स्नेह किया कि शाऊल उससे जलने लगा। आखिरकार शाऊल उसे मार डालना चाहता था, इसलिए दाऊद उससे और उसके सैनिकों से छिपने के लिए जंगल में भाग गया। एक दिन जब शाऊल और उसके सैनिक दाऊद की खोज में थे, तो शाऊल एक गुफा में गया। यह वही गुफा थी जिसमें दाऊद छिपा हुआ था, परंतु शाऊल ने उसे नहीं देखा। दाऊद शाऊल के पीछे उसके बहुत समीप चला गया और उसके वस्त्र से एक टुकड़ा काट लिया। बाद में जब शाऊल उस गुफा से निकला, तो दाऊद ने उसे पुकार कर उस पकड़े हुए वस्त्र के टुकड़े को दिखाया। इस रीति से शाऊल जान गया कि दाऊद ने राजा बनने के लिए उसे मार डालने से इनकार कर दिया है। कुछ समय के बाद शाऊल युद्ध में मर गया और दाऊद इज़राइल का राजा बन गया। वह एक अच्छा राजा था और लोगों ने उससे प्रीति रखी। परमेश्वर ने दाऊद को आशीषित किया और उसे सफल बनाया। दाऊद ने कई युद्ध लड़े और परमेश्वर ने इज़राइल के शत्रुओं को पराजित करने में उसकी सहायता की। दाऊद ने यरूशलेम नगर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जहां वह रहा और शासन किया। दाऊद 40 वर्षों तक राजा रहा। इस समय के दौरान इज़राइल सामर्थी और धनवान बन गया। दाऊद एक मंदिर बनाना चाहता था जहां सारे इज़राइली परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके लिए बलिदान चढ़ा सकें। लगभग 400 वर्षों से वे लोग मूसा के बनाए हुए मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उसके लिए बलिदान चढ़ा रहे थे, परंतु वहां नातान नाम का एक भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ने उसे दाऊद से यह कहने के लिए भेजा, तूने बहुत से युद्ध लड़े हैं, इसलिए तू मेरे लिए इस मंदिर को नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र इसे बनाएगा। तो भी मैं तुझे बहुतायत से आशीषित करूंगा, तेरा एक वंशज सदा के लिए मेरे लोगों पर राजा के रूप में शासन करेगा। सदा के लिए शासन करने वाला वह दाऊद का एकमात्र वंशज मसीह था। मसीह परमेश्वर का चुना हुआ जन था, जो संसार के लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जब दाऊद ने नातान के संदेश को सुना, तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसकी स्तुति की। परमेश्वर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था और उसे बहुत सी आशीषें दे रहा था। बेशक दाऊद नहीं जानता था कि परमेश्वर इन बातों को कब करेगा। इस समय हम जानते हैं कि इज़राइलियों को एक लंबे समय तक, लगभग 1000 वर्ष तक मसीह के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। दाऊद ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक अपने लोगों पर शासन किया। उसने बड़ी निष्ठा से परमेश्वर की बातों को माना और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालांकि अपने जीवन के अंत में उसने परमेश्वर के विरुद्ध भयानक पाप किया था। एक दिन दाऊद ने अपने महल से बाहर झांका और एक सुंदर स्त्री को
नहाते हुए देखा। वह उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने मालूम कर लिया कि उसका नाम बतशेबा था। अपनी दृष्टि को फेर लेने के बजाय दाऊद ने उसे अपने पास लाने के लिए किसी को भेजा। वह उसके साथ सोया और उसे वापस घर भेज दिया। थोड़े समय के बाद बतशेबा ने यह कहकर दाऊद के पास संदेश भेजा कि वह गर्भवती है। बतशेबा का पति उरिया नाम का एक व्यक्ति था। वह दाऊद के उत्तम सैनिकों में से एक था। इस समय वह युद्ध करने के लिए बाहर गया हुआ था। दाऊद ने उरिया को युद्ध से वापस बुलाकर उसे अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए कहा, परंतु अन्य सैनिक युद्ध में थे, इसलिए उरिया ने घर जाने से मना कर दिया। अतः दाऊद ने उरिया को वापस युद्ध में भेज दिया और सेनापति से उसे युद्ध में ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा जहां शत्रु सबसे शक्तिशाली हो, ताकि वह मारा जाए। तो ऐसा हुआ कि उरिया युद्ध में मारा गया। उरिया के युद्ध में मर जाने के बाद दाऊद ने बतशेबा से विवाह कर लिया। बाद में उसने दाऊद के पुत्र को जन्म दिया। दाऊद ने जो किया उससे परमेश्वर बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने नातान भविष्यवक्ता को दाऊद को यह बताने के लिए भेजा कि उसका पाप कितना बुरा था। दाऊद ने अपने पाप का पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। अपने शेष जीवन में, अपने कठिन समयों में भी दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे चला और उसकी बातों को माना। परंतु दाऊद का पुत्र मर गया। इस रीति से परमेश्वर ने दाऊद को दंडित किया। इसके अलावा दाऊद के मरने तक उसके अपने परिवार के कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध लड़ाई की और दाऊद की अपनी शक्ति कम हो गई थी। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य था और अब भी उसने वह किया जो उसने दाऊद से करने का वादा किया था कि वह करेगा। भले ही दाऊद ने उसकी अवज्ञा की थी, बाद में दाऊद और बतशेबा के दूसरी संतान उत्पन्न हुई और उन्होंने उसका नाम सुलेमान रखा।